ये लास्ट बार आप मुझे मिरर में देख रहे हो गाइस, तो मेरे लास्ट व्लॉग में आकर आपको कैसा लग रहा है? कैसे बैठ गए? मैं क्या करूं फिर? क्या मतलब उन्होंने क्या बोला आपको? ऐसी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसे कि ये व्लॉग आएगा मेरा 2 डेज बाद, और थंबनेल और टाइटल से आपको समझ आ ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि 2 दिन से व्लॉग फिर से नहीं हो पा रहे हैं। 2 दिन से क्या, हर बार 2 दिन स्किप हो जाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि अभी मुझसे व्लॉग हो नहीं पा रहे हैं यार गाइस, पता नहीं क्यों अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन होता है ना, कई बार आप एकदम ऐसे थक जाते हो, किसी न किसी चीज़ से आप ऐसे परेशान हो जाते हो। तो मैं भी काफ़ी एक दो जब मैं लाइव आई थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि मैं जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, कई बार बहुत दिल पे ले जाती हूँ, तो हद से ज़्यादा मैं दिल पे ले गई। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे मैंने व्लॉग में ऐसा क्या ही किया है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कुछ लिख देते हैं। आई नो कि सारे कॉमेंट बहुत पॉजिटिव होते हैं, और हमेशा से पूरे साल आप लोगों ने मुझे एक ही बात समझाई है कि इन फिजूल और बकवास लोगों को आपको इग्नोर करना है, और मैं हमेशा इनको इग्नोर ही करती आई हूँ। और बस कई बार ऐसा होता है ना कि बैक टू बैक अगर आपको कोई एक ही बंदा पीछे पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि ये है तो कोई, मतलब आई नो कि वो फेक आईडी बनाकर जानकर हमें वहीं पोक करता है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखकर उसको मजा आता है, लेकिन उससे ये नहीं समझ आता कि कई बार इंसान उस जोन में या मूड में नहीं होता है कि वो उसको बड़ा फनी वे में ले। लेकिन मेरे को ना बड़ा ऐसे हर्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लूँ मैं यूट्यूब से। लेकिन क्यों लूँ मैं उसकी वजह से ये यूट्यूब से ब्रेक, मैं अटक गई थी अभी, तो मैं क्यों लूँ ब्रेक। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ये लास्ट व्लॉग करूँ, ऐसा साहिल को बोलूँ और उनके सामने थोड़ा रोऊँ गिड़गिड़ाऊँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट हर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं अपना यूट्यूब बंद करना चाहती हूँ। तो जैसे कि साहिल वूफी के साथ गए हैं नीचे वॉक पर, जैसे ही वो आएंगे तो मैं फ़ोन इधर उधर कहीं भी सेट कर दूंगी, और उसके बाद फिर अपना ये जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू करूंगी। और आई नो कि ये प्रैंक मेरा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं किए हैं, और आज भी जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं नाइट सूट में हूँ, तो साहिल को कोई आइडिया होगा नहीं कि मैं व्लॉग कर सकती हूँ। तो फिर ऐसे देखते हैं कि साहिल के क्या रिएक्शंस होते हैं। गाइज अभी तक साहिल और वूफी आए नहीं है, तो मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए कुछ शेक वेक बना लूँ, साहिल के लिए भी बना लूँ, और मुझे कुछ आपसे शेयर भी करना है। जो लोग ऐसे बहुत शौकीन है ना चॉकलेट शेक के, मिल्क शेक के, या उनको कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेक्स पीने की आदत है मेरी तरह, तो वो घर पे ही बना सकते हैं, ज़्यादा मनी वेस्ट भी नहीं होगी। तो मुझे बड़ा इंस्टेंट वाली चीज़ पता लगी है, वैसे आप लोगों को मुझसे पहले पता होगी, लेकिन अभी मुझे कुछ डिफरेंट भी पता लगा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और आप ज़रूर घर पर ट्राई करना। सो गाइज ये वो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। पहले तो मैं ये वाला लेकर आई थी नेस्कैफे का, जो ये फ्रैपे बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है। इसको आप पानी में भी बना सकते हो, मिल्क में भी बना सकते हो, मैं तो मिल्क में बनाती हूँ। और ये मैंने न्यू मंगाई है, इसमें ऐसे क्यूब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके फ्लेवर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें जैसे कि ये वाला है इंस्टेंट कॉफ़ी क्यूब, और ये वाला है आपका चॉकलेट, ये आपका हेज़लनट, और ये आपका वनीला। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैं, और ये वाला आपका इंस्टेंट कॉफ़ी क्यूब। तो ये आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। इस पे ना आपको कैसे बनाना है वो यहाँ लिखा होगा, और मैंने तो देखो ये ना बहुत ज़्यादा बना लिए हैं, इसलिए ये आपको कम दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब 2 बनाए हैं यार, लेकिन ये बहुत टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा, और ये भी बहुत टेस्टी है, तो आप घर पे ट्राई करना। अभी मैं बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो भाई शेक वेक बाद में पियेंगे, अभी मैं फटाफट फोन लगा देती हूँ, क्योंकि साहिल आने ही वाले हैं, उनकी कॉल आई है और पूछ रहे थे कि कुछ खाना पीना है, तो मैंने बोला नहीं मैंने शेक बनाया हुआ है। तो बस मैं फोन सेट कर देती हूँ और इसको ऑन कर देती हूँ, फिर जैसे जो होगा बस देखी जाएगी। आज मैं बिल्कुल भी इस प्रैंक को फ्लॉप नहीं होने दूंगी। सो गाइस मेरे माइंड में एक आइडिया क्या, मैं प्रैंक कर रही हूँ ना, और मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा लास्ट व्लॉग है, तो मैं फोन थोड़ी लगाऊंगी ट्राईपॉड पे, कहीं छुपाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही व्लॉग करती रहूंगी, बोलूंगी बस ये मेरा लास्ट व्लॉग है तो मैं बना रही हूँ, इसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मैं त्याग रही हूँ। फोन लगा दिया था मैंने फालतू में, बस जैसे ही आते हैं ऐसे ही व्लॉग शुरू कर दूंगी, कोई डरने की बात नहीं है। ये लो, ठीक है, बताओ कौन सा फ्लेवर है। यार ये बहुत गंदा लग रहा है साहिल, ये बहुत गंदा लग रहा है गाइस, तब से ये एसी यहाँ फिट हुआ है ना, ये कर्टन वाली जगह हमारी एकदम खराब हो गई है, और ये बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे, इसको हाइड करेंगे तो सही लगेगा। हाँ कुछ भी इस पे इधर लगाएंगे ऐसे, यहाँ ये मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है। बताओ कौन सा फ्लेवर है, कौन सा? वो तो मैं पीता हूँ, पर कौन सा पीता हूँ? लाटे मोका तो उसमें है भी नहीं,
वही जो आप पीते हो। कौन सा पीते हो? मोका तो है ही नहीं। अच्छा लग रहा है जो भी फ्लेवर भाई, मेरे को तो पीते थे। पीते कौन सा हो भाई, पीकर बताओ भाई। साहिल को एक आदत पड़ गई है गाइस, बहुत बात में भाई 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 बोलने लग गए हैं। हाँ ना, ब्रो भी सही था लेकिन ये भाई वाला तो बहुत ही अजीब है। तब से टैटू बनवाया आपको लग रहा है कि आप बन गए हो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई वूफी, मेरे लास्ट व्लॉग में आकर आपको कैसा लग रहा है? आज के बाद फिर आप इस व्लॉग में दिखोगे नहीं? इसमें क्या यूट्यूब पे ही नहीं दिखोगे? अभी बताऊंगी, पहले मैं वूफी का इंटरव्यू ले लूं, देखना कैसी शक्ल बना रहा है। वूफी आपको कैसा लग रहा है मेरे लास्ट व्लॉग में आके? गाइस वूफी कैसी कैसी एक्सप्रेशंस दे रहा है आप देख सकते हैं, आंखें देखो इसकी। वूफी यार थोड़ा फेस इधर कर लो, हमसे बात कर लो, थोड़ा हमें भी देख लो। वूफी वूफी चलो गाइस, इसका तो हाँ हाँ देख रहा है, स्लो मोशन में इधर करेगा फेस। वूफो चले, ये देख लो, बस चलने के नाम से जो इसका फेस घूमता है ना, वैसे ये किसी को भाव नहीं देता है। वूफी मुझे आपको, वूफी मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। चलो सुन लो अब मेरी बात कान खोल के। वूफू ये मेरा लास्ट व्लॉग है, आपको पता है मैं फिर इसके बाद व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइज। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग है साहिल, मैंने डिसाइड किया है कि इसके बाद मैं व्लॉग्स नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से ये व्लॉग हंसी खुशी एकदम, जैसे ये लास्ट बार आप मुझे मिरर में देख रहे हो गाइस, तो ऐसे देख लो, बस ये मेरा लास्ट व्लॉग रहेगा, लास्ट एकदम लास्ट। तो रीजन नहीं पूछोगे? चलो बताइए तो क्या रीजन है, क्यों छोड़ क्यों ऐसे आप? मैं सीरियस हूँ साहिल, सीरियसली मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ आपको मैं। हाँ जो आपने सोचा है वो कुछ सोच के बोला, कुछ सोच के जो सोचा है आपने, कुछ सोच के ही जो सोचा है आपने, कुछ जो जो सोचा है आपने, कुछ सोच के ही बोला होगा ये। सोचा मैंने, क्या सोचा मैंने? जो सोचा वो आप नहीं सोच सकते। अच्छा बताओ क्यों ऐसा? क्यों यार? क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया वो एक दो कमेंट जो नेगेटिव आते हैं ना, उनसे मैं हर्ट हो गई हूँ बहुत ज्यादा। हाँ साहिल नहीं, मैं सच्ची में हो गई हूँ, मैं क्या करूँ फिर? क्या मतलब उन्होंने क्या बोला आपको? ऐसी कुछ भी आपने देखा नहीं तो लाइव पे भी वो ऐसे एक कमेंट आया था इतना गंदा सा, तो मुझे ऐसे मेरे दिल पे लग गया है यार, ऐसे क्यों कर रहे हैं? किया एक दो नहीं है, ज्यादा नहीं किया है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल ही बकवास चीज थी। मैंने बहुत सोचा तभी दो दिन तक मुझसे व्लॉग भी नहीं हो पाए। आप ले लो, मुझे कोई ग्रेड नहीं है चैनल का, मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है गाइस, बहुत तो ज्यादा हो वो एक की वजह से नहीं, पर जैसे इतने दिन से एक दो आते रहते थे, फिर ऐसे हो गए इकट्ठे। नहीं ब्रो मेरे से नहीं हो पा रहा है। देखो सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी अपना एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि मैं अभी भी ना बहुत बहुत स्ट्रांग बन के ये व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहे थे व्लॉग। आपको भी पता है दो दिन से मैं कितना ज्यादा ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। आपके कहने पर मैं लाइव गई, फिर लाइव पे भी एक कमेंट आया, उसने मुझे और ऐसे डिस्टर्ब किया, तो मुझसे ना नहीं हो रहा है अभी, मेरा ऐसे अजीब हो गया है। हाँ वूफी हो गया है अजीब। वूफी भी कह रहा है कि यार सिली जी को कैसे बैठ गए? यही मैंने सोचा था, हंसते खेलते लास्ट व्लॉग बनाऊंगी, पर इतनी सारी बातें आपने बोल दी है मुझे कि ऐसे मत, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए ना, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने लास्ट व्लॉग का सोच के हल्की सी लिपस्टिक और हल्का सा लाइनर भी लगाया था कि मैं सुंदर दिखूं लास्ट व्लॉग में थोड़ी सी, पर मैंने तो कुछ इतना कुछ प्लान किया हुआ था। आप कह रहे हो लास्ट व्लॉग है, अभी तो शुरुआत हुई है हमारी, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी नहीं, हम 1% भी पहली सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं अभी तो। इतनी जल्दी हार मान लिया आपने? हार नहीं मानी, पर ऐसे हो ही नहीं रहा अब जबरदस्त। मैंने इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो यूट्यूबर है ना, उनका इंटरव्यू देखा था, उन्होंने ये बोला जब हमने स्टार्ट किया था ना तो शुरू में उनको गालियां तक मिलती थी और पर वो फिर भी लगे रहे, वो ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। देखो ऐसा होता है जब आप सक्सेस पे होते हो या कहीं आप अच्छी जगह जा रहे होते हो ना, तो 10 लोग बोलने वाले मिल जाते हैं तो बोल ले दो, क्या फर्क पड़ रहा है? वो कौन सा हमें पर्सनली जानता है, कौन सा हम उसे पर्सनली जानते हैं? इतना टाइम दिया है यूट्यूब को और हर चीज मैंने अच्छी और दिल से की है, तो मुझे रिग्रेट भी नहीं है, पर मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी कंटिन्यू, मुझसे हो नहीं रहा, मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। कहाँ गई है?
जवाब देके? पता नहीं, मेरे को डिप्रेशन सी हो जाती है बहुत ज्यादा, ऐसे एक आधा नेगेटिव कमेंट रीड करके पूरी रात अजीब अजीब सी होती है, ना नींद आती है ना कुछ होता है। और अभी भी मैं दो दिन से यही सोच रही थी कि करूँ ना करूँ, तो मुझसे ब्लॉग ही नहीं हो पा रहे थे, फिर मैंने लाइव आके। मैं आपको एक चीज बताऊँ, अच्छे से देखो अपना माइंड फ्रेश करो, अभी हम जा ही रहे हैं अंदर दर्शन करने ना, अच्छे से दर्शन करके आओ और अपना माइंड फ्रेश करके। मेरा लास्ट ब्लॉग है बस, मुझे इतना पता है, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप कर लो कंटिन्यू, इस पे मेरे से नहीं होगा। सच में तो फिर तो मैं आपको फोर्स करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका हर चीज में साथ देता हूँ ना, पर आपको इन सब का भी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इन सब के लिए तो करना ही चाहिए भाई आपको, एक दो के चक्करों में पूरी फैमिली को थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो पागल हो तुम? पागल क्यों ना, उसके साथ ध्यान ही मत दो, सोचोगे तभी तो असर पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो बस ये रहेगा चल भाई ये कमेंट आया था उसको डिलीट कर दिया, बात खत्म। अभी तो कुछ आए नहीं, नेगेटिव आते हैं भाई काफी आते हैं, हमें तो कुछ नहीं आते, टच वुड भी अच्छा है। क्या कर रहा हूँ बताओ, कोई भंगड़ा करके दिखाऊँ आपको? लास्ट ब्लॉग है तो लास्ट ब्लॉग है तो परफॉर्मेंस दे देते हैं तीन चार। चाहिए साहिल का मुझे लास्ट ब्लॉग में भंगड़ा ही चाहिए, कि और अपने आप ही गिद्दे भी करें, भंगड़ा भी करें और गाएं बोलियां मेरे। चलो आपकी आपसे है ना, मैं आपके साथ चैलेंजेस किया करूंगा। अच्छा मुझे नहीं करना, अच्छे अच्छे कोई ढंग ढंग करना है, मुझे करना ही नहीं है बस ये मेरा। गाइज मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ और बस ये आज मेरा लास्ट ब्लॉग है, तो इसे भी हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्यों सब्सक्राइब करना जब आपका लास्ट ब्लॉग है? मैंने ये तो नहीं बोला ना, मिलूंगी आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ, मैंने तो नहीं बोला ना कि मैंने तो नहीं बोला। सही बात है, नहीं बोला तो लाओ मैं आपको भी ऐसे जैसे आप बाय बोलते हो आप इसमें बाय बोलो। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू क्या बोला करती थी मैं तो लास्ट व्लॉग में भूल ही गई, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी वो कितना गंदा लग रहा है वहां पे, मिलूंगी आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय टेक केयर। क्या कर रहे हो? प्रैंक था यार। चलो बाय। क्या अच्छा नहीं था क्या रिएक्शन? मिलूंगी आपको कल एक और नए। वाह भाई वाह वाह यार अच्छा नहीं था, ऐ सच्ची बताओ मेरी एक्टिंग को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? दो नंबर। क्यों? दो भी मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं। यार ना यार मैंने इतना ट्राई किया पर अच्छा नहीं था, अच्छा था यार। जब आपको लगता है ना कि आप एक्टिंग कर रहे हो तो आप बार बार एक चीज बोलते हो, जैसे अभी बोले मेरे लैच में गया तभी समझ गया ना, चल ठीक है। ऐसे नहीं होता। So guys, मैंने तो पूरा ट्राई किया ये प्रैंक सक्सेसफुल कराने का, लेकिन इतना बड़ा व्लॉग हो जाता है इतना बड़ा, और साहिल सीरियस हो गए थे तभी गुस्से में होते हैं ना, तभी ऐसे बोलते हैं कि जो मन है वो कर लो। कुछ हो ना हो मेरे को कॉफी मिल गई अच्छी सी। तो मिलेंगे फिर से आपको एक कल एक और नए व्लॉग के साथ, और मुझे यार कॉमेंट करो इस पे 500 कॉमेंट आए ना। गाइस भंगड़ा स्टार्ट हो गया था, तो इस पे 500 कमेंट आए ना तो मैं फिर से पहले की तरह रेगुलर व्लॉग करूंगी, रेगुलर मतलब रेगुलर। चलो गाइस अभी बाय बोलती हूँ, मिलूंगी कल, बाय बाय साहिल, बाय।